नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अटकुट जितेंद्र। आज के वीडियो में डाइवोर्स लेने का सबसे यूजफुल ग्राउंड बताने वाला हूं। इसके आधार पे आजकल बहुत ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, यानी कि जो भी इस ग्राउंड को यूज कर रहे हैं उनका डाइवोर्स मानो 101% हो ही जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही ये ग्राउंड बताने वाला हूँ। अगर आपका मामला भी इस ग्राउंड से मिलता हुआ है तो बिल्कुल आपका डाइवोर्स भी है जो इस ग्राउंड के आधार पर हो सकता है, अगर आप इस ग्राउंड को यूज करते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, प्रॉपर जानकारी मिलेगी, प्रॉपर फायदे का वीडियो है, प्रॉपर फायदे का जजमेंट है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और पहले इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में शेयर भी करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि हस्बैंड को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है। वाइफ जब डाइवोर्स नहीं देती है तो उस टाइम पे आती है कि मेरी वाइफ है जो यहाँ पे डाइवोर्स नहीं दे रही है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, किस तरीके से डाइवोर्स लेना होगा। तो यहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स का सवाल आता है, पर कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना देखो बहुत मुश्किल बात है। पर यहाँ पे एक ऐसा ग्राउंड बताने वाला हूँ जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ये ग्राउंड ये है कि अगर वाइफ फिजिकल रिलेशन से मना करती है तो ये भी एक क्रूरता के अंदर आता है। यानी कि हस्बैंड अगर उसे फिजिकली टच होना चाहता है और वाइफ यहाँ पे मना करती है, या फिर वाइफ है जो हस्बैंड को छोड़ के और चली गई है, दूर रह रही है, तो यहाँ पे जो फिजिकली जो नीड है उसकी अगर हस्बैंड की पूर्ति नहीं हो रही है तो ये एक क्रुएल्टी के अंदर आता है। यानी कि इसमें दोनों ही बातें लागू हो गई है कि अगर वाइफ साथ में रहते हुए भी अगर मना कर रही है या फिर वाइफ छोड़ के चली गई है, तो इन दोनों से साबित हो रहा है कि दोनों का जो फिजिकल है वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हस्बैंड और वाइफ का इस तरीके से फिजिकल नहीं हो रहा है और हस्बैंड को मान लो कि यहाँ पे डाइवोर्स लेना है, तो इस ग्राउंड से हस्बैंड का है जो डाइवोर्स हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस ये हस्बैंड को हमें साबित करना होगा कि वाइफ है जो इस तरीके से छोड़ के चली गई है, विदाउट रीजन के छोड़ के चली गई है, यानी कि जो फिजिकल रिलेशन है वो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे अगर साथ में रह रहे हैं तो भी वाइफ है जो मना कर रही है, वो फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने दे रही है, या फिर उसका किसी अन्य के साथ में रिलेशन है तो उसके साथ में टच के अंदर रहती है, मेरे साथ में टच में नहीं रहती है। तो ऐसे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो उन सभी के ऊपर ये आधार यानी कि ये ग्राउंड है जो लागू होता है, उनको इस ग्राउंड के आधार पे है जो डाइवोर्स मिल जाएगा। बस उनको कोर्ट के अंदर साबित करना होगा कि मेरी वाइफ है जो मुझसे फिजिकल रिलेशन नहीं कर रही है या फिर नहीं बनाने दे रही है, तो इस बात से उनका डाइवोर्स है जो हो जाएगा। आजकल वर्तमान के अंदर बहुत ज़्यादा ये ग्राउंड है जो यूज में आ रहा है, और इस ग्राउंड से है जो डाइवोर्स भी हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। आपके केस से अगर मिलता है तो इस जजमेंट को यूज करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।